शाहरुख खान की साल 2023 में पठान और जवान की बात तीसरी फिल्म डंकी रिलीज होने को तैयार है, जिसका हाल ही में डंकी ड्रॉप 1 और पहला गाना लुटपुट लॉन्च हो गया है। वही फैंस इसे ब्लॉकबस्टर कहते हुए दिख रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान और जवान ने ऐसा तहलका मचाया कि अब तो शाहरुख खान की फिल्मों में एक आधे रिकॉर्ड तो ऐसे ही बनने लगे हैं। आपको बता दें कि जवान और पठान की तरह हाई बजट वाली फिल्म डंकी नहीं है, बल्कि वह शाहरुख खान की 6 साल में आई सबसे कम बजट वाली फिल्म है, जिसने रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड बना दिया है। शाहरुख खान स्टारर डंकी, जिसमें तापसी पन्नू और विक्की कौशल अहम किरदार में नजर आ रहे हैं, इस फिल्म का बजट कथित तौर पर 85 करोड़ रुपए बताया गया है। दरअसल पिंक वेला की रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख खान की पिछले 6 सालों में सबसे कम बजट वाली फिल्म बन गई है, जबकि जब हैरी मेट सेजल 90 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी, वहीं रईस 90 से 95 करोड़ रुपए में बनी थी। बागी 0 200 करोड़, पठान 240 करोड़ और जवान 300 करोड़ के भारी बजट में बनी थी। हालांकि डंकी के 85 करोड़ के बजट में कास्ट की फीस शामिल नहीं है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के निर्देशक राजकुमार हीरानी ने फिल्म की शूटिंग 75 दिनों में पूरी कर ली, जिसमें से शाहरुख ने 60 दिनों की शूटिंग की है। वहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि पठान और जवान के बाद डंकी भी ब्लॉकबस्टर साबित होगी, क्योंकि पठान ने जहां 1000 करोड़ से ज्यादा की वर्ल्ड वाइड कमाई की थी, तो वहीं 7 सितंबर को रिलीज हुई जवान दुनिया भर में 1150 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। हालांकि डंकी से बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए प्रभास स्टार सालार सीज फायर 1 तैयार है, जो 21 दिसंबर को ही डंकी के साथ रिलीज होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म डंकी के नॉन थिएटरल राइट्स 100 करोड़ रुपए में बिके हैं। ऐसे में करीब करीब फिल्म रिलीज के पहले ही बजट निकालने में कामयाब हो गई है।